जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रश्नमाली 1.1 एनसीईआरटी 10th का क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। और हमको सवाल पहला दिया हुआ है 133 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। चलिए, इसमें बड़ी संख्या को हम ए 225 तथा छोटी वाली को बी मानते हैं, तो बी बराबर 135 होगा। और एल्गोरिथम सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी क्यू और आर को जानने से पहले हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम 18 में 5 से भागा देते हैं, तो 5 दिया 15 और से हमारा बच जाता है 3। तो इसको हम भागफल कहते हैं, इसको शेष कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो भाजक को बी, भाज्य को ए, भागफल को क्यू, शेष को आर से सूचित करते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि ए बी क्यू आर किसे कहते हैं। अब हम 225 और 135 का एशिया मौसम को भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। पहले 225 135 एक बार में देंगे, 135 0 9 फिर 135 फिर एक मर्तक में लगाएंगे। अब 90 दोस्तों, अब इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाएंगे। एक जगह पे 225 बराबर बी के जगह पे 135, क्यू के जगह पे एक और आर के जगह पे 90। पुनः ए के जगह पे 135, बी के जगह पे 90, क्यू के जगह पे एक और शेष के जगह पर 45। पुनः ए के रूप में 90, बी के रूप में 45, क्यू के रूप में 2 और शेष हमारा 0 बचा। तो 45 से पूर्णतः या विभाजित हो जाता है, इसलिए एच सी एफ 45। हम लिख सकते हैं 225 और 135 का एच सी एफ बराबर 45। साथियों, इस तरीका को आप अपनाएंगे तो आप इस तरह के एचसीएफ को एल्गोरिथम विधि द्वारा आप आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के हर सवाल को हम आपके सामने ला सकें। जय हिंद।
दूसरा सवाल है 196 और 38220, इसका भी एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन के तरीका से HCF ज्ञात करना है। इसका भी HCF भाग विधि के द्वारा पहले निकालते हैं 38220 196। तो तीन अंक का है तो तीन अंक लगाएंगे पहले मर्तक में 196, 12 में से 6 हो गया 6, 17 में से 9, 17, 1, 2। अब इसको हम 9 मर्तक में लगाएंगे तो 9 मर्तक में लगाने के लिए 196 × 9 छः की 54, 5, 81, 5, 81, 5, 86, 8, 9, 8, 17 से 64, 9 मर्तक में लगाएंगे 17 से 64, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6, 9, 9 कट गया। अब उतारेंगे 0, 9 से 80। इसको अब 5 मर्तक में 196 को 5 से गुना करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 196 को 5 से 6 × 5 = 30, 3 × 9 = 45, 3 × 48 4 × 5 = 9, 980 5 मर्तक में, 5 मर्तक लगाएंगे 980 कट गया। आइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाते हैं, एक जगह पे 38220 बराबर बी के जगह पे 196, तो बी गुना क्यू 196 × 195 शेष के रूप में 0, तो 38220 और 196 का HCF बराबर 196, क्योंकि दोस्तों 196 से ही 38220 पूर्णतः विभाजित हुआ, इसलिए इसका HCF 196। तीसरा सवाल है 867 और 255 का HCF निकालना है। A बराबर 867, B बराबर 255। एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन के द्वारा सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे पहले हम इस सूत्र को बैठाने से पहले हम भाग्य विधि द्वारा 867 और 255 का HCF निकाल लेते हैं। 255 इनको गुना करते हैं, 3 से पहले लगा कर देखते हैं, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16, 6, 6 = 7, 4 में देखते हैं 255, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 22, ज़्यादा हो गया तो यह 3 मर्तक में ही लगाएंगे 765, 201 102 बचा, फिर 255 को उतारेंगे 1 × 2 = 4,
और 151 रनिंग। इसको अब हम ए क्यू प्लस बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाएंगे। दोस्तों एक जगह पे 867 बराबर बी के जगह पे 255 गुना क्यू गुना क्यू, क्यू के जगह पे 3 सीएस जो आर तो सीएस के जगह पे 102 फिर ए के जगह पर 255 बी के जगह पर 102 सीएस के जगह पे 51 सॉरी 2 सीएस के जगह पे 51 और एक जगह पे पुनः 102 बी के जगह पे 51 गुना 2 सीएस के जगह पे। दोस्तों भाग विधि में 51 से यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है इसलिए एच सी एफ 51 ही होना है। आइए 867 यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 255 का एच सी एफ बराबर 51।